हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीतू फूड ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ, सबसे पहले तो जो मेरे नॉन वेजिटेरियन व्यूवर्स हैं ये उनके लिए है, रोहू मछली जो बिहारी स्टाइल में सरसों वाली बनाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। हम लोग हैं तो यूपी वाले, लेकिन ये सरसों वाली मछली वाकई में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगती है। जो मछली खाने के शौकीन हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बताऊँगी। इसमें प्याज बिल्कुल नहीं पड़ेगा और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिए, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। बिहार की फेमस सरसों वाली मछली की रेसिपी बिल्कुल झटपट आइए बनाएं। मैंने 1 किलो क्वांटिटी की रोहू मछली, मार्केट में आसानी से मिल जाती है बिल्कुल ताज़ी मछली, हम लोग लखनऊ रहते हैं तो बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। अब इसको अच्छी तरह से धो के हल्दी और नमक अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे हल्दी और नमक मिलाने से एक तो इसकी महक चली जाती है मछली की, और दूसरा जो हम लोग फ्राई करते हैं तो चिपकता नहीं है, दो फायदे होते हैं, तो इसको ज़रूर मिलाइएगा। और बिल्कुल इसकी जो तरीका है बिल्कुल बिहारी स्टाइल में ही बताऊंगी। अब इसमें जो मसाला डालेंगे हम, 2 चम्मच भर के खड़ी धनिया, धनिया पाउडर भी है घर में लेकिन खड़ी धनिया डालेंगे जिस तरीके से बनाते हैं, 2 चम्मच भर के पीला सरसों। अगर आपके पास पीला सरसों ना हो तो वैसे कोशिश करें तो पीला सरसों, नहीं तो फिर काला सरसों भी डाल सकते हैं, या 1 चम्मच काला सरसों 1 चम्मच पीला सरसों। मैंने 2 चम्मच पीला सरसों, लहसुन, 3 हरी मिर्च जो तीखी वाली है, अदरक और थोड़ा सा काली मिर्च 1/2 चम्मच के करीब, और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और ये जो पत्थर के फूल जो मसाला होता है वो मिला लिया, तेज़पत्ता। ये सारे मसाले देखिए एक बार, धनिया, राई, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, काली मिर्च, पत्थर का फूल, दालचीनी, जीरा और तेज़पत्ता, ये सारे मसालों को लोग पीस लेंगे। इसे पानी मिला के बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से इसमें मैं 2 टमाटर डालूंगी, तो टमाटर का पेस्ट नहीं डालेंगे, मैंने बताया ना कि बिल्कुल बिहारी स्टाइल में बनाऊंगी, तो इसको काट के बिल्कुल बारीक बारीक काट ले। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम मछली बनाएंगे, तो मछली को पहले फ्राई कर लेंगे। तो मछली फ्राई करने में सबसे पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और एकदम हाई फ्लेम पे रहे, इससे चिपकती नहीं है और मछली गलती नहीं है। मेरा तेल बिल्कुल गर्म था, बहुत ही जल्दी झटपट, तो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। इस तरह से पलटा लिया, दोनों तरफ से पलटा के मैंने दोनों राउंड में 2 बार में मेरी पकी थी। इस तरह से हमारी मछली फ्राई हो गई। बहुत ही आसान तरीका है इसको, सरसों वाली मछली को एक बार जो जिस तरफ नहीं बनाते होंगे तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। और सबसे पहले कोई भी मैं रेसिपी बताऊं तो उसको पहले बनाइए और टेस्ट करिए, इसके बाद ही अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए करे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए करिए, और थोड़ी ज़्यादा पसंद आए करे तो लाइक कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा पसंद आए करे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। इस तरह से मेरी सारी मछलियाँ तल गई। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाने की, मसाला उतना ही था। ये सारी मछलियों को तल के अब निकाल लेंगे, जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल हो या जितना क्वांटिटी में आप ऑयल डालना चाहें तो जितना एक्स्ट्रा तेल हो वो निकाल लेंगे। अब इसमें जीरा, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता, और स्टार फूल जो होता है उससे महक बहुत अच्छी आ जाती है, तो मैंने तोड़ के 2 उसके पीसे डाले। अभी जो हमने मसाला पीसा था सरसों और उसका खड़ी धनिया और सरसों का, तो उसका पेस्ट डाल देंगे। और मिक्सी के जार में थोड़ा सा जो लगा होता है तो उसमें थोड़ा ही सा पानी मिलाया। इस तरह से आपका वाइट वाइट बिल्कुल मसाला दिखेगा। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, मिर्च अपने तीखे के हिसाब से मिलाएं, जितना तीखा आप लोग पसंद करते हो। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मिला लें, और ये सारे मसाले को अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने का ना वेट करें, इसमें टमाटर डालूंगी। अब एक साथ सारे मसाले को तब तक भूनेंगे, अब ये गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे ताकि मसाला बहुत तेज़ी से जल ना पाए और अच्छी तरह से हमारा मसाला भुन जाए। तो इसको ढक के, चूँकि टमाटर को गलाना है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है, लेकिन जैसे नॉर्मल हम लोग सब्जी बनाते हैं उस तरह से इसका पेस्ट भी डाल सकते थे, लेकिन चूँकि बिहारी स्टाइल बना रही हूँ तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊँगी। इस तरह से देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल गल गए,
अब हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया, मसाला बहुत अच्छी तरह से हमारा भुन गया। अब इसमें मैं आधा चम्मच किचन किंग मसाला डाली हूँ और आधा चम्मच गरम मसाला। आप किचन किंग मसाला ना हो तो नहीं भी डाल सकते, गरम मसाला ज़रूर डालें। तो गरम मसाला अगर डालें तो एक चम्मच भर के डालें, जैसे मैंने आधा आधा चम्मच दोनों मिलाया। अभी हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया। अब इसमें मैं गरम पानी, जितनी क्वांटिटी का आपको ग्रेवी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं इसकी अच्छी लगती, तो चूँकि प्याज एक भी नहीं मिलाया मैंने, तो देखिए ग्रेवी हमारी पक गई। ढक के पका लेंगे। और पानी भी हमारा बॉयल था बिल्कुल जो मैंने डाला, और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। तो 2-3 मिनट पकाने के बाद अब इसमें जो मछलियाँ थी हमारी फ्राई की भी वो मिला लेंगे। मछली को भी अब बहुत देर नहीं पकाना है, क्योंकि मछली को फ्राई कर लिया था हम लोगों ने इस तरह से, और बहुत सेफ मतलब चम्मच से घुमाए ताकि टूटे ना। तो इस तरह से अब मैंने इसको ढक के 5 मिनट पकाया। मसाला अच्छी तरह से मछली के साथ उसका फ्लेवर चला गया, और हमारी ग्रेवी जितनी चाहिए उतनी परफेक्ट है। अब ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश करके हमारी मछली तैयार हो गई। अब इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, जैसे, लेकिन चावल के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो क्योंकि बिहारी मछली है सरसों वाली, तो ज़्यादातर के बिहारी चावल के साथ ही खाते हैं, लेकिन आप लोग रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बनाई मैंने, लेकिन मैंने चावल के हिसाब से बनाई। आप इसको और गाढ़ी ग्रेवी करके बना सकते हैं। इस तरह से हमारी सरसों वाली बिहारी स्टाइल में मछली तैयार हो गई। प्लेट में देखिए गार्निश करके दिखा रही हूँ, सॉरी प्लेट में परोस के दिखा रही हूँ कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, मीडियम पे है। क्योंकि फैमिली के लिए जब बनती है तो फिर उस तरह से बनाना ही पड़ता है कि ग्रेवी कितनी चाहिए सब लोगों को हो जाए। तो और कुछ लोग राइस के साथ पसंद करते हैं, कुछ लोग रोटी के साथ। इस तरह से हमारी सरसों वाली मछली तैयार हो गई। देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, और खाने में उतनी ही ज़्यादा और उससे कई गुना ज़्यादा, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी। तो एक बार सरसों वाली रोहू मछली को बिहारी स्टाइल में या मेरे स्टाइल में बना के देखिए, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। तो एक बार बनाइए, खाइए, टेस्ट करिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ी ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। रोहू मछली बिहारी स्टाइल में सरसों वाली, उसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।